नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता फन विद फोटोशॉप से। दोस्तों, आज हम इमेज मिक्सिंग देखेंगे। अब जैसे कि ये एक इमेज मेरे पास है जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डल लग रहा है, तो मैं किसी और इमेज के साथ इसको अगर मर्ज कर दूं तो ये इमेज और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है। तो इसके लिए हम सिंपली अब जैसे ये एक प्लेन इमेज यहाँ पे है तो इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने एक और इमेज सेलेक्ट करके रखी है, ये वाली एक इमेज मैंने यहाँ पे रखी है इसके बैकग्राउंड में। तो हमें इस तरह का कुछ एक इमेज मिक्सिंग यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक गर्ल, इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स है, आप कोई भी टूल्स यूज करके इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम कलर रेंज लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमको जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्लियर का सिलेक्टेड है, जितना भी ब्लैक पोर्शन है वो पूरा सिलेक्टेड है, ठीक है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो इसके सहारे, अपनी इमेज में आप इस तरह से सिलेक्शन कर ले। कलर रेंज की जानकारी के लिए आप मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये इतना पोर्शन है इसने सिलेक्ट किया, कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पर रह गई है, तो इसको हम क्विक मास्क लेंगे। यहाँ पर ये मैं माइनस लेती हूँ कि ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे ऐड करना है तो जस्ट शिफ्ट दबा के आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे। इस तरह से, ओके। ये ग्रास हम पूरी ले रहे हैं, ओके। तो जस्ट ये ऐसे मैंने कर दिया, ओके। अब यहाँ पर ये सिलेक्शन तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सिंपली इस इमेज के ऊपर ये मास्क अप्लाई कर दूंगी, ऐसे। तो ये जो भी सिलेक्शन है वो मेरा मास्क के रूप में यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं ये जो बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया है इसको प्लेस करेंगे, जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया उस इमेज पे, ऐसे, एंड कंट्रोल पी करके इसको हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इस बैकग्राउंड को मैं पीछे कर देती हूँ और हमारा जो सब्जेक्ट है उसको मैंने आगे कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको इरेज करना है सबसे पहले। तो हमने सब्जेक्ट की जो लेयर है उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर इरेजर, ये इरेजर टूल हमने सिलेक्ट किया है। आप चाहे तो इसको जूम कर ले ताकि अच्छे से हम इसको इरेज कर पाए, जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हमें इरेज करना है। हमने इरेजर टूल लिया एंड यहाँ पर जस्ट जो भी मुझे एक्स्ट्रा पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको मुझे इरेज करना है। तो इस तरह से हमने जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको इरेज कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि जो हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे, ओके। ये हमने एंटर प्रेस कर दिया, ओके। अब ये जो इमेजेस, इसकी जो एजेस है ये बहुत ही शार्प लग रही है, तो हमें इसको थोड़ा सा ब्लर करना होगा। तो इसको हम पहले जूम करते हैं, ऐसे, और यहाँ से हमने ये ब्लर टूल सेलेक्ट किया। अब इसकी जो एजेस है इस पे हम एजेस ब्लर करना है। इसकी ओपेसिटी आप ऑलमोस्ट 80 के आसपास रख सकते हैं, ऐसे, देखिए। तो इस तरह से ये जो हमारी एजेस ये ब्लर हो जाएगी तो ये कटिंग इतनी शार्प नहीं लगेगी, ताकि ये दोनों मर्ज आराम से हो सकते हैं, इजीली मर्ज हो जाएंगे दोनों इमेजेस, ऐसे। Thank you.
तो इस तरह से हमारी ये जो इमेज है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हमें इन दोनों इमेजेस को सबसे पहले तो मिक्स करना है। तो इस इमेज के ऊपर मैं एक नॉर्मल क्रिएट न्यू लेयर करूँगी यहाँ से, और इसमें मैं एक कोई भी ग्रे शेड का कलर फिल कर दूंगी। सपोज ऐसे ये वाला कलर लिया एंड मैंने ड्रॉपर से जस्ट उस पर डाल दिया। ये जो ऊपर वाली नई लेयर हमने बनाई है उसमें हमने एक कलर फिल किया, और यहाँ पर इसका ये जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैंने ओवरले कर दिया। ओके ठीक है, अब इसके ऊपर हम दूसरे एडजस्टमेंट्स करेंगे। यहाँ पर हम एक ग्रेडियंट मैप डालेंगे सबसे पहले। तो इसका कलर सपोज मैं कुछ इस तरह का रखती हूँ, ये कलर मैंने सेलेक्ट किया, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो सॉफ्ट लाइट कर दिया मैंने। इसका जो फिल है वो भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया। ओके इस तरह से फाइन। अब फिर से हमने यहाँ पर कलर बैलेंस इसका सेट किया, आप इमेज के हिसाब से एडजस्टमेंट कर ले। इस तरह से अब यहाँ पर सबसे पहले तो इस इमेज में ये जो ग्रास है इसको हमें थोड़ा सा ब्लैक करना है। तो यहाँ से मैं बर्न टूल लूंगी और 60-70% आप मिड टोन्स इसका रेंज 60-70% रख के यहाँ से इसको आप जितनी ग्रास दिखाई दे रही है इसको हम थोड़ा सा ब्लैक शेड कर देंगे ताकि दूसरी ग्रास के साथ ये मैच कर सके। ऐसे ऐसे ओके। तो अब ये काफी हद तक मर्ज लग रही है कि इसी का पार्ट लग रहा है ऐसे। ओके फाइन, तो इस तरह का हमारा ब्लेंडिंग मोड तो हो गया है। अब हम इंडिविजुअली इन दोनों इमेजेस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट की लेयर सेलेक्ट की है और इस पे मैं लेवल्स अप्लाई करूंगी। और ध्यान रखें कि हमें ये सेटिंग ऑन रखनी है कि ये सिर्फ इसी इमेज पे अप्लाई हो ना कि दोनों इमेजेस पे। ओके तो इस तरह से मैं, आप चाहे तो डायरेक्ट ऑटो भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से इसको थोड़ा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सके। फेस पे रिफ्लेक्शन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये ढलता हुआ सूरज है। से और हमने वापस इसी इमेज के ऊपर क्लिक करके यहां से फिर से कर्व्स डाले। ओके और फिर से हमने इमेज सेलेक्ट करके ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी एडजस्ट किया, इसको भी मैंने ऑटो मोड कर लिया। अगर लेवल्स ब्राइटनेस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। ब्राइटनेस हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ऐसे सेम जो पीछे का बैकग्राउंड लेयर है इसके भी हम लेवल्स चेंज करेंगे। यहाँ पे भी मैंने ध्यान रखे ओनली इसी इमेज पे अप्लाई करना है, तो इसको भी मैंने सेट कर लिया ऐसे। उस पे भी मैंने कर्व्स अप्लाई करूंगी फिर से। ओके अब बेसिक हमारी ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट और बढ़ाना है तो हम जो हमारी नई लेयर क्रिएट की थी ऊपर ताकि दोनों इमेजेस पे वो अप्लाई हो, तो यहाँ पे हम एक्सपोजर भी डाल सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ऐसे। ओके तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ। तो इसकी बैकग्राउंड इमेज की यहाँ पे जो लेवल्स हमने सेट किए हैं इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा उजाला उसमें दिखाते हैं ऐसे। तो इस तरह से आप अपनी इमेज के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से दोनों को मर्ज करते हुए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी को इमेज मिक्सिंग कहते हैं। सो थैंक